हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं जेईई एडवांस में आया हुआ। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ 2 kg मास इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। इट इज एट रेस्ट एंड फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 ऑनवर्ड इट इज सब्जेक्टेड टू अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स एफ टी इन एक्स डायरेक्शन। द फोर्स एफ टी वेरीज विद टी एज शोन इन द फिगर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकंड इज। तो क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया है, एफ टी कर्व दिया है और हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है 4.5 सेकंड के बाद। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जब भी आपको एफ टी कर्व दिखता है तो आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि हमें नेट एरिया अंडर एफ टी कर्व जो देता है वो चेंज इन मोमेंटम देता है। और इस केस में पी इनिशियल जीरो था, यानी ब्लॉक पहले रेस्ट पर था और फिर वो चलने लग गया, तो पी इनिशियल जीरो होगा। तो इस केस में हमें सिर्फ केवल मोमेंटम मिलेगा अगर हम नेट एरिया अंडर एफ टी कर्व निकाले। तो हमें ये नेट चीज का ध्यान रखना है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव एरिया को अलग अलग ट्रीट करना है। तो चलिए एरिया निकालते हैं। सबसे पहले तो ऊपर ऊपर वाले ट्रायंगल को मैं A1 बोलता हूँ और नीचे वाले ट्रायंगल को A2 बोलता हूँ। तो A1 का जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस केस में बेस 3 सेकंड दिया हुआ है और हाइट 4 न्यूटन दिए हुए, तो ये कैलकुलेशन से 6 न्यूटन सेकंड आता है। और अगर A2 की बात करें इस ट्रायंगल की, तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा। इसका जो बेस है वो 4.5 - 3 जो कि 1.5 है और इसकी हाइट हमें दी नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी और सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करना होगा। तो इनके लिए ये जो एंगल है थीटा और ये थीटा अगर सेम होंगे तो टैन थीटा सेम होगा, यानी 4/3 इज इक्वल टू एच बाय 1.5। तो ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो हमें एच की हाइट हाइट की वैल्यू 2 न्यूटन मिलेगी। तो आप यहाँ पर एरिया 2 निकाल सकते हैं, हाफ इंटू 1.5 इंटू 2, तो यहाँ से आएगा 1.5 न्यूटन सेकंड। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो हमें इसे नेगेटिव ट्रीट करना होगा, तो जो नेट एरिया आएगा वो आएगा 6 - 1.5, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा और हमें नेट एरिया आएगा 4.5 न्यूटन सेकंड। तो चलिए आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो और ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए जब भी आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पूछे। तो चलिए पी स्क्वायर बाय 2m, तो मोमेंटम हमने एरिया से निकालना जो कि 4.5 था, तो 4.5 का स्क्वायर अपॉन 2m, तो m की वैल्यू 2 kg दी थी। और अगर कैलकुलेशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 5.0625 जूल आएंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।